शुरू करने से पहले अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे चैनल की सारी नोटिफिकेशन जानने के लिए नोटिफिकेशन के इस आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे शो किडनी की पाठशाला में, जहां हम आपसे हमेशा किडनी से जुड़े कुछ सवाल करते हैं और उनके जवाब भी आपको बताते हैं। आज हमारे शो का 15वां और आखिरी एपिसोड है। हमेशा की तरह आज भी हम आपसे कुछ ज़रूरी सवाल करेंगे, जिसके जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देने हैं, वो भी सिर्फ 10 सेकंड में। इस शो में हम आपको कोई होमवर्क नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारा आखिरी शो है। सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप सभी ने हमारे शो को इतना प्यार दिया। हम आप सभी के लिए बहुत जल्द नए शो के साथ आएंगे, जिसमें हम आपको किडनी से जुड़ी कई और ज़रूरी जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला, लेकिन शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल किडनी ट्रीटमेंट विदाउट डायलिसिस को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सारी जानकारी आसानी से पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इससे आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे और ऐसी ही ज़रूरी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो चलिए अपने आखिरी एपिसोड के पहले सवाल से शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, साउथ इंडियन फूड में से क्या खाएं किडनी रोगी? आपके ऑप्शंस हैं ए उपमा, बी डोसा, सी इडली या फिर डी ये सभी। इसका जवाब है ऑप्शन डी, ये सभी। जी हाँ, किडनी के मरीज अपनी डाइट में इन सभी चीज़ों को शामिल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि किडनी के मरीज इसका सेवन कितनी मात्रा में करें, ये डॉक्टर या डाइटिशियन से पूछ लें। साथ ही इन सभी को बनाने में सिर्फ उन सभी सामग्रियों का प्रयोग करें जिनका सेवन किडनी के मरीज को अलाउड हो। चलिए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। इन सब्जियों में से क्या ना खाएं किडनी रोगी? आपके ऑप्शंस हैं ए अनियन, बी कटहल, सी रेडिश या फिर डी कैरेट। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कटहल। किडनी रोगी कटहल का सेवन नहीं कर सकते। कटहल खाने में बहुत हैवी होता है, जो जल्दी डाइजेस्ट नहीं हो पाता, इसलिए किडनी के मरीजों को डॉक्टर इसका सेवन पूरी तरह मना करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ, जो है कि इनमें से क्या हानिकारक है किडनी रोगी के लिए? आपके ऑप्शंस हैं ए इमली, बी सिंघाड़ा, सी नींबू या फिर डी ये सभी। जैसा कि किडनी के मरीजों को सबसे ज़रूरी होती है उनकी डाइट, इसलिए उन्हें इस बात का खास ध्यान रखना पड़ता है कि उन्हें कौन सी डाइट लेनी चाहिए। हमारे इस सवाल का जवाब है ऑप्शन डी। किडनी के मरीजों को इमली, सिंघाड़ा और नींबू, इन तीनों से उचित दूरी बनाकर रखने की सलाह दी जाती है। जिनकी किडनी में स्टोन की समस्या होती है, उन्हें डॉक्टर नींबू का सेवन करने की सलाह देते हैं, लेकिन सीकेडी पेशेंट्स को नींबू का सेवन भी नहीं करना चाहिए। अब बढ़ते हैं उस सवाल की तरफ, जो हमने आपको पिछले एपिसोड में होमवर्क के रूप में पूछा था। हमारा सवाल था, किडनी के मरीज इनमें से क्या खाएं? आपके ऑप्शंस थे ए पोहा, बी उपमा, सी बेसन और डी मैदा। कई लोगों ने इसका जवाब दिया, कुछ लोगों ने सही तो कुछ लोगों ने गलत जवाब भी दिए। सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद, जो आप सभी ने हमें जवाब दिए। चलिए इसका सही जवाब हम आपको बताते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों। थोड़ा अजीब सा है ना, एक सवाल के दो जवाब कैसे? तो आपको बता दें कि सभी किडनी के मरीजों की रिपोर्ट्स अलग अलग होती है, जिसके हिसाब से उन्हें डाइट दी जाती है। पोहा और उपमा ऐसी डाइट है जो आप किडनी के मरीजों को दे सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ मरीजों को पोहा या उपमा से परहेज हो, इसलिए इन दोनों को अपनी डाइट में शामिल करने से पहले आप डॉक्टर या डाइटिशियन से सलाह ज़रूर लें।
और बाकी बेसन और मैदा, इन दोनों से किडनी के मरीजों को परहेज करना होता है, क्योंकि इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व डैमेज किडनी को और ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने आखिरी एपिसोड के आखिरी सवाल की तरफ। कौन सा मसाले का सेवन कर सकते हैं किडनी रोगी? ऑप्शंस हैं ए लाल मिर्च, बी जीरा, सी तेज पत्ता या फिर डी लौंग। इसका जवाब है ऑप्शन बी जीरा। किडनी के मरीज मसाले में जीरे का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा किडनी के मरीजों को इन सभी चीजों से परहेज होता है। तो ये है हमारे आखिरी एपिसोड के सभी सवाल और उनके जवाब। आज के लिए बस इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे एक नए शो के साथ। इसके अलावा अगर आप या आपका कोई अपना किडनी की किसी भी समस्या से परेशान है, तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा से आयुर्वेदिक उपचार ले सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा से इलाज लेकर ये किडनी के मरीज कैसे हुए स्वस्थ, आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। कहाँ पे रह रहे हो? अभी नोएडा। असम, असम से हुआ? असम, असम से। ओके, बट यू आर बांग्ला स्पीकिंग? बांग्ला स्पीकिंग, हाँ। असम से पेशेंट है और इनको प्रॉब्लम हो रही थी, डायलिसिस एडवाइस कर दिया था उस समय? हाँ, एडवाइस किया था डायलिसिस के लिए। डायलिसिस करने बोला था लेकिन हम लोग किया नहीं है। अब डॉक्टर ने बोला था व्हेनेवर वी गो if the this creatinine is increased, so they ask for go for dialysis. Okay. So but we have not done for that. Dialysis की आपको ज़रूरत नहीं पड़ी? नहीं पड़ी। ठीक है। नहीं पड़ी जब। नहीं पड़ी। क्रिएटिनिन कितना था जब आप आए थे first time visit किया? First time आया था 8 आ गया, फिर आपके पास आया, उधर भी गया, आपके पास भी आया, आपके पास आके भी गया, last session बोल के आपके पास आया। और क्या बताया? आपका पास आने के बाद 5.37 आया था। और उधर क्या बताया था आपको? असम में क्या बताया था? असम में तो वो डायलिसिस करने के लिए 6 हो गया था, तो बोला है डायलिसिस करना पड़ेगा। लेकिन बताया, क्लियर नहीं बताया क्या डायलिसिस करो बोले। इधर भी डायलिसिस की तो जरूरत ही नहीं पड़ी ना, नहीं सिनेरियो तो अराइज ही हुआ ना आपका, एंड टोटली यू आर ऑन डायलिसिस प्रोटोकॉल राइट, तो वॉमिंग नहीं हो रही ना? नहीं वॉमिंग। और श्वासकोश नहीं होता? नहीं श्वासकोश। पेशाब में फेन वेन तो नहीं आता? नहीं। फिजिकली पहले से बेटर लग रहा है? बेटर है। और क्रिएटिनिन लेवल भी आपका पहले से कम हुआ है, गुडरल सा गया। फिजिकल लेवल पर क्या क्या चेंजेस आपको नजर आ रहा है? थोड़ा वो जो आपका स्वेल था, वो स्वेलिंग होता रहा, वो थोड़ा कमती हुआ है मालूम होता है हमको, जो मालूम होता है बिकॉज़ ही स्टेइंग देयर इन असम। इस एक तरफ तो दर्द था, वो दर्द भी कम गया है थोड़ा, चलने नहीं सकता रहा वो। तो हम लोग बोलता है तुम वॉकिंग नहीं करता, हम लोग इधर से फोन से, बिकॉज यू सी वी डू सेड आवर वर्ड्स, सो बट ही नोज व्हाट इज द प्रॉब्लम बिकॉज ही स्टेइंग देयर, सो आई वी टेल देम इफ यू डू नॉट वॉक एवरी डे सो देन यू विल नॉट गेट एनी रिजल्ट, कुछ है सो बट walking is a must. Walking is must. Now, of course, I have seen that this time he has come. So for now, about almost about 15 or 16 days, he is walking in my colony only. Oh. अच्छा, वेरी गुड इम्प्रूवमेंट। बहुत अच्छे चेंजेस नजर आए हैं। और ब्रज गोपाल पॉल को प्रॉब्लम हो रही थी और प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा थी और डायलिसिस भी एडवाइस कर दिया था। आसाम से है पेशेंट। कौन से जिले से हैं? डिस्ट्रिक्ट आसाम, तिनसुकिया। गुवाहाटी से कितना दूर पड़ता है? ओवरनाइट। काफी दूर से पेशेंट आए हुए हैं। फिजिकल लेवल पर काफी प्रॉब्लम्स भी हो रही थी इनको और सब चीजों में आराम भी मिला है। क्रिएटिनिन लेवल जब आए थे वो बहुत ज्यादा था, 7.35 था जब आप विजिट करा था, और 8 के आसपास था ये, और बढ़ रहा था पहले क्रिएटिनिन, इंक्रीजिंग पैटर्न में चल रहा था, 8 के आसपास था। उसके बाद इन्होंने फिर टेस्ट कराया और जनवरी में ये क्रिएटिनिन घट के 3.8 हो गया, और अब इन्होंने लेटेस्ट भी और भी टेस्ट कराए हैं। फिजिकल लेवल पर भी काफी अच्छे इनको इम्प्रूवमेंट चेंजेस नजर आए। तो क्या मैसेज देना चाहोगे आप उन पेशेंट्स को जो किडनी के पेशेंट्स हैं और इस प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं? नो, बिकॉज वी आर सेटिस्फाइड व्हाइल एज एंड व्हेन वी केम टू दिस डॉक्टर, बिकॉज दिस वाज आवर लास्ट रिसोर्ट, बिकॉज वी हैव सीन ऑल द मेडिसिंस वी आर टेलिंग एंड वी डू नॉट वांट टू गेट हिम डायलिसिस बाय द एलोपैथिक वे, सो दैट इज व्हाई वी हैव इंक्वायर्ड दैट व्हाट कैन बी डन। देन लेटर ऑन, बिकॉज वी हैव सीन थ्रू ए न्यूज़पेपर और समवेयर, माय एल्डर डॉटर शी हैज फाउंड इट आउट
your name and all in the newspaper or somewhere, maybe I do not know exactly. So, but we have been published in the major publications also. So maybe there she got it, and then we finally came along with him. Then we continued, and thereafter we have taken the medicines for about another 3 months. And correspondingly improvements are also there. Correspondingly, we have seen the improvement, because if we had not have seen the improvement, then we would not have definitely continued the medicine. Mm-hmm. We would not have. Absolutely come. Right. We would not have come. So he is Braja Gopal Paul, and good results and changes are there, and he is absolutely satisfied. And creatinine level has also come down, and swelling was also there. Now swelling is also not there. Absent, right? Not there. Yeah. आप किसी भी वक्त हमें कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं और एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, साथ ही इस जरूरी जानकारी को शेयर करना ना भूलें। वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल या सजेशन हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।